हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं एडवोकेट कृष्णा रोड़ा, एमपी हाई कोर्ट जबलपुर, आप लोगों के सामने बहुत फेमस केस लेके आया हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है। वो आपको आपके राइट्स के बारे में बताएगा कि आपके अधिकार क्या हैं। दोस्तों, आप लोगों ने ऑनर किलिंग के बारे में सुना होगा कि खुद के ही घर वाले, माता पिता, भाई बहन, लड़की को प्रेशर डालते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, मार डालते हैं। कई बार आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि लड़की को पेड़ से बांध दिया गया है, लड़के को बांध दिया गया है, उसके ऊपर पत्थरों से मारा जा रहा है या फिर भीड़ ने उनको कुचल दिया है। आपने ये बातें सुनी भी होंगी और देखी भी होंगी काफ़ी हद तक। अब इस पर कानून क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, क्या हमें अधिकार है इंटरकास्ट मैरिज करने का अगर हम मेजर हो जाते हैं एज़ पर कानून। क्या हमें राइट है कि हम अपने फ्री विल से किसी बंदे को चूज़ कर सकते हैं? क्या ज़रूरी है कि हम अपने पेरेंट्स की बात माने ही कि वो जिस बंदे से हमें शादी करने के लिए कह रहे हैं हमें कर लेनी चाहिए? क्या अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो क्या ये हमारे पेरेंट्स का या हमारे जो एनवायरनमेंट का रोल होता है कि वुमेन को दबाया जाए? या फिर अगर किसी घर वाले को, हमारे हस्बैंड को या किसी और ब्रदर को लगता है कि मेरी वाइफ या मेरी बहन किसी व्यक्ति से बात करती है, तो क्या वो हमें डरा सकता है, धमका सकता है, मार भी डाल सकता है? दोस्तों, इस चीज़ पे सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहला जजमेंट आया हुआ है लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2006 में। इसमें कुछ केस ऐसा था कि सन 2000 में लड़की जो है अपने भाई के साथ रहती है क्योंकि उसके पेरेंट्स एक्सपायर हो जाते हैं और लड़की ग्रेजुएट होती है, उसकी एज 27 ईयर्स की होती है। वो अपने भाई के साथ रह रही होती है, कुछ टाइम बाद वो बिना बताए वो दिल्ली मूव कर जाती है, एक इंटरकास्ट मैरिज गुप्ता फैमिली में शादी कर लेती है, वो रहती सिंह फैमिली से। तो इस केस में ये होता है कि उसका जो भाई होता है एक FIR लॉन्च कराता है मिसिंग रिपोर्ट की, देन आफ्टर पुलिस दिल्ली से इस गर्ल को, जो उसकी बहन होती है, उसको पकड़ती है। साथ में उसके साथ दो गर्ल्स और होती हैं और उसमें एक जो गर्ल होती है उसका एक हस्बैंड भी होता है। तो ऐसे करके उनको सबको अरेस्ट कर लेती है और लखनऊ जेल में उनको डाल देती है। अब दोस्तों, इसमें होता क्या है कि आगे जैसे ही पिटिशनर मींस जो वाइफ होती है, वाइफ के भाइयों को पता चलता है कि ये शादी कर चुकी है और इसने शादी गुप्ता फैमिली से करी है, तो वो करते क्या है, वो हुड़दंग मचाते हैं। उन हस्बैंड जो जिससे शादी की होती है उसके घर जाते हैं, उनके घर को तोड़ देते हैं, फर्नीचर तोड़ देते हैं, यूटेंसिल्स फेंक देते हैं, उनके पिताजी को, मतलब जो लड़के के पिताजी होते हैं उसको मारते हैं, उसके जो भाई होते हैं उसको कमरे में लॉक कर देते हैं 4-5 दिनों के लिए, उसको भूखा प्यासा रहने देते हैं, उसका जो घर होता है उसको लॉक कर देते हैं, उसकी जो फसल होती है वो पूरी ही काट के बेच देते हैं, इवन उसका जो कब्ज़ा कर लेते हैं उस पर, जो ज़मीन जिस पर उनने खेती की होती है। देर आफ्टर ये केस आगे बढ़ता है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि वो लड़का और लड़की दोनों मेजर हैं, लड़की 27 ईयर्स की है, ग्रेजुएट है, तो इसमें गलत क्या है, अगर इंटरकास्ट मैरिज कर ली तो उसमें गलत क्या है। देर आफ्टर यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस इशू होती हैं कि अगर ऐसे कुछ केसेस होते हैं तो फिर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। पर इसका एक एडवांस वर्जन निकलता है 2011 में, अरगुमगम सर्वे वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया, गाइडलाइंस देते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि अगर कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी गर्ल दोनों मेजर होने के साथ अगर इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, अगर उनको लगता है कि उनके घर वाले मार डालेंगे, बहुत कट्टर हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, तो वो अपना कंप्लेंट लॉन्च कराने के लिए एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, करेंगे। साथ में अगर उसमें SP और या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं और कोई घटना उनके साथ हो जाती है कपल्स के साथ, तो इसके लिए कलेक्टर और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जिम्मेदार होंगे, उनकी नौकरी भी जा सकती है, इवन उनके ऊपर FIR भी लॉज होगी, उनके जो पूरा करियर होगा उस पर एक डार्क स्पॉट आ जाएगा, क्योंकि उन कपल्स ने उनसे रिलीफ मांगा था, उन्हें हेल्प मांगी थी, पर उन्हें डिनाई कर दिया, उन्हें इग्नोर कर दिया। इवन इस केस में ये भी बताया गया कि अगर वो गर्ल और बॉय मेजर हैं, इंटरकास्ट करना चाहते हैं, फ्री विल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो सिर्फ अपने घर वालों से रिश्ता काट सकते हैं,
लेकिन उनके पेरेंट्स किसी भी प्रकार का उन पर दबाव नहीं डाल सकते। तीसरी चीज़, हमारा स्टेट, हमारी गवर्नमेंट भी उनको प्रोटेक्शन देगी, इवन उनको सपोर्ट दे देगी। सपोर्ट करने के साथ साथ जजमेंट में ये भी है कि उनको एक फ्री हेडक्वार्टर प्रोटेक्शन के लिए दिया जाएगा, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कि कहीं अगर किसी भी प्रकार से थ्रेट आता है तो पुलिस ऑफिशल्स उनको हैंडल करेंगे। इवन अगर फिर भी अगर कोई एक्शन लिया जाता है उनके पेरेंट्स की तरफ से, तो उन पर स्ट्रिक्टली एक्शन लेते हुए FIR लॉन्च होगी। देर आफ्टर अब 2018 में इसका लेटेस्ट वर्जन आता है, शक्ति वाहिनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कुछ और चीज़ों को जोड़ा गया इसमें कि ऑनर किलिंग में क्या क्या हो सकता है। बेसिकली इसमें जोड़ा गया कि अगर जो गर्ल है शादी के अलावा भी अपना वर्जिनिटी लूज़ करती है तब, या फिर वो प्री मैरिटल में प्रेग्नेंट हो जाती है तब, या फिर वो किसी गॉसिप में या किसी से बात करती है तब, या फिर वो एक अनअप्रूव्ड रिलेशन में रहती है तब, या रिफ्यूज़ करती है जिसमें उसके पेरेंट्स भी शादी कराना चाहते हैं अरेंज मैरिज तौर पे, या फिर वो अपने बच्चों की कस्टडी मांगती है डिवोर्स के बाद, उस कंडीशन में अगर वो अपने घर वालों से या फिर अपने मैरिटल फैमिली से बिना बताए कहीं चली जाती है तब, या फिर वो अपना एक रेप विक्टिम है और उसके अलावा उसको एक घृणास्पद नज़रों से देखा जाता है, उस कंडीशन में उसके साथ ये थ्रेट या हरासमेंट या फिर किलिंग होती है या मर्डर होता है उसका, तो इन सब चीज़ों को ऑनर ऑफ किलिंग में ही देखा जाएगा। अगर आप वाकई एक दूसरे को पसंद करते हैं और सोलमनाइज होना चाहते हैं, तो एक एप्लीकेशन मूव कर रही है पुलिस स्टेशन में ये कहते हुए कि हम लव करते हैं एक दूसरे को और हम सोलमनाइज होना चाहते हैं और हमको थ्रेट है। इस बिहाफ पे आपको प्रोटेक्शन पुलिस स्टेशन से दिया जाएगा, और अगर पुलिस स्टेशन नहीं देता है तो फिर आप हाईकोर्ट मूव कर सकते हो। हाईकोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 226 में इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाईकोर्ट, ये आपको बाकायदा प्रोटेक्शन दिलवाएगा और डायरेक्शन भी देगा आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को कि इनको सेफ्टी से रखा जाए, इनको प्रोटेक्ट किया जाए। दोस्तों गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।